हाथी जो है मुठ्ठा मुठ्ठा हाथी केसरी जो तो कहाँ से जा जल्दी दौड़ जा हाथी बस उभो रे हाथी बस उभो रे दादी फोटो ले बन्ने जना उभा रो माने नानक पर के ए बेने तो मोकरो फरी जाओ टेन ओए वारी आयो ना विनंदन जो पप्पा पण आली गया जो आनु जो उभे रे दादी सामने जो स्माइल अरे वाह वेरी गुड दादी फोटो लो बेची दो बेची दो क्या सामने बेच दो अंकल आंटी आवे से हाँ बेची जा
वीणेण पड़िकं तो वन्ना भव्य भव्य जाति सर्व ने मोक्षण मार्ग बताया जो हो वे मुझे शक्ति सी सभी जीव करूं साशन जीव करूं साशन रसी ना मैंने कहा सराग ओम ऋषभ परमेश्वर जन्म जरा मृत्यु श्री विजिनेन्द्राय पुष्प पूजय जाम विषम 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 विषम
शास्त्र कुछ नहीं तो जरा दादी
Bye.
જવાનું અહીંયા અંદર. કેસરિયાજી ભગવાન ની જય. બોલો સમય જો હાથી પર કોણ બેઠું છે ખબર છે? ભરત રાજા ને મરુદેવા માતા હાથી ઉપર, પેલા બ્લેક હાથી ઉપર બે જણા બેઠા છે ને, એક છે ભરત રાજા, પછી છે મરુદેવા માતા. દાદા ને દાદી ને પોતો છે. તું લઈ જશે આવી રીતે, તું મને લઈ જશે આવી રીતે. જો ભરત રાજા દાદી ને લઈને જાય, તું મને લઈ જશે? તું મને લઈ જશે? એ ગોડ ગોડ નતા એ આપણા જેવા જ હતા, એ પોતાના દાદી હતા. એ આદિનાથ ભગવાન ગોડ છે. આદિનાથ ભગવાન કી જય. જાજી જાજી ખમ્મા મારા નાથ કેસરિયા, સોનેરી ધરતી મેં શાસન છાયો જીયો, ઘણી ઘણી ખમ્મારે ભૂલેવા કેરા નાથને, ઘણી ઘણી જતારો મેજરા ઓલી રિક્ષામાં બીજું શું અને બીજી કરી હતી. પેલો બિચારો ઉભો છે, મેં ફોન કર્યો, મેં ફોન કર્યો. કર દો
कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार मारा केसरिया सरकार। केसरिया जी अपने धाम बुलाना, बार बार श्री केसरिया जी अपने धाम बुलाना, तो आप भी दर्शन देना प्रभु जी, आप भी दर्शन देना प्रभु जी, बहु सागर सितराना यही है विनती, यही है विनती बारंबार, यही है विनती बारंबार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार मारा केसरिया सरकार। कृपा से भूले वाजी बनते हैं सब काम, तेरी कृपा से भूले वाजी बनते हैं सब काम, छोड़ के सारी दुनियादारी, छोड़ के सारी दुनियादारी, आ गए हैं तेरे धाम, सुन लो मेरी, सुन लो मेरी करुण पुकार, सुन लो मेरी करुण पुकार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार मारा केसरिया सरकार। कृपा बिना प्रभु जी कोई यहाँ ना आए, कृपा बिना प्रभु जी कोई यहाँ ना आए, और तेरी कृपा हो जाए, और तेरी कृपा हो जाए, सागर भर जाए तेरी महिमा, अभी जा रहे तेरी महिमा अपरंपार, पूछो भाई को पूछ लो उधर, तेरी महिमा अपरंपार सरकार। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार मारा केसरिया सरकार।
की गली गली में धूम मची है भारी, ऋषभ देव की गली गली में धूम मची है भारी। केसरिया जी बोल बोल के, केसरिया जी बोल बोल के झूम रहे नर नारी, तेरी होवे तेरी होवे जय जयकार, तेरी होवे जय जयकार, कर दो कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, मारा केसरिया सरकार, मारा केसरिया सरकार, मारा केसरिया सरकार, मारा केसरिया सरकार, कर दो कर दो, ओ कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, मारा केसरिया सरकार। तरिया जी दाम तुले।
सूरत सुहानी चलो कर गण चल वरगुड़ा मोटी जे भागे रे दादा दूले वा माटी जे भागे रे चांदी केरा रथ मा
प्रिंस बैनो डीजे वागे रे देहो मला कर्या दनी अच्छा केसरिया जी दामे दूले मना गामे रे नाचे नाचे भक्तो नाचे परगोड़ा मा डीजे वागे रे ओ दादा दूले वा मा डीजे वागे रे तारे
उमरा के लिए फास्ट इज नॉट फास्ट इनफ, इसलिए ज़ेप्टो ग्रोसरी डिलीवरी एट तेरा दर्शन हो।
चोरा
कालिया बाबा रो परचो भारी जियो, कालिया बाबा रो परचो भारी जियो। हे गणी गणी खम्मारे दूले वाके रानाथ ने, हे दूले वा नगरी में मारो केसरियो विराजे, कालिया बाबा रो परचो भारी जियो, कालिया बाबा रो परचो भारी जियो। हे गणी गणी खम्मारे दूले वाके रानाथ ने, गणी गणी खम्मा मारा केसरिया नानाथ ने, इसलिए Zepto ग्रोसरी डिलीवरी एट तेरा दर्शन।
सदा पापा ने शांत न्यूतन सत्य ब्रह्म का भव्य स्वा पवित्रम मानव सभ्यता के प्रारंभ काल से ही भारतीय विश्व की जनता को सदा अध्यात्म माता की देन दी है। वास्तव में कहा जाए तो यदि विश्व में भारत अध्यात्मवाद और तत्व ज्ञान के विस्तार करने से अद्वितीय सिद्ध हुआ है तो इस बात के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसका श्रेय जैन धर्म को है। अन्य धर्मों से जैन धर्म एक प्राचीन सुप्रतिष्ठित तेजस्वी और महाधर्म है। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। वैदिक आर्य लोग ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद
यजुर्वेद इन चारों वेदों को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान वेदों की रचना ईसा पूर्व 9वीं व 10वीं शताब्दी की है। वैदिक दर्शन साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसकी रचना पंजाब में हुई है। जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों का आज भी आगम के नाम से ही उल्लेख किया जाता है और यह आगम अरिहंतों अर्थात तीर्थंकरों द्वारा कहे गए हैं। वेदों की रचना की बहुत पहले से ही दो सांस्कृतिक धाराएं चली आ रही हैं, आहर्त और बाहर्त। प्राचीन साहित्य में इन दोनों के उल्लेख पाए जाते हैं। आहर्त लोग अरिहंत तीर्थंकर के उपासक थे। परम पवित्र नवकार मंत्र में सर्वप्रथम अरिहंतों को ही नमस्कार किया गया है। की उपास्य ऋषभदेव को वैदिक आर्यों ने अपने यहाँ पूज्य पुरुषों में स्थान दिया है। भगवान ऋषभदेव जो आदि जिन आदिश्वर भगवान के नाम से भी संबोधित हैं, ऋग्वेद सूक्ति में उनका अहर्त के नाम से उल्लेख आया है। जैन उन्हें प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। विद्वानों का अभिमत है कि जैन धर्म प्रागैतिहासिक और प्रागवैदिक है। सिंधु घाटी की सभ्यता से मिली योग मुद्रा वाली मूर्ति तथा ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों से ऋषभ तथा अरिष्टि नेमी जैसे तीर्थंकरों के नाम इस विचार के मुख्य आधार हैं। भागवत और विष्णु पुराण में मिलने वाली जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा भी जैन धर्म की प्राचीनता को व्यक्त करती है। निसंदेह ईसा से एक शताब्दी पहले से ही ऐसे लोग विद्यमान थे जो अहर्त के उपासक थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा करते थे। यह लोग कर्म में विश्वास रखते थे और मुख्य रूप से क्षत्रिय थे। उनके देवस्थान पृथक थे और पूजा अवैदिक थी। आज यही संस्कृति जैन धर्म के नाम से पहचानी जाती है। भगवान ऋषभ का जन्म यौगिक संस्कृति के अंत में हुआ था। यौगिक व्यवस्था उस समय छिन्न भिन्न हो रही थी। समुचित व्यवस्था देने वाला कोई नहीं था। ना भी कुलकर को भी कहीं कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। उस समय भगवान ऋषभ का जन्म हुआ। भगवान ऋषभ का जीव मुक्ति से पूर्व 13वें भव में धन्ना सार्थ वाह के रूप में उत्पन्न हुआ। वह एक धनाढ्य व्यापारी था। एक बार वह विदेश जाने के लिए तत्पर हुआ। उसने घोषणा करवाई कि जो उसके साथ चलेगा उसे सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे में आचार्य धर्मघोष अपने शिष्य समुदाय के साथ धन्ना सार्थवाह के साथ चल दिए। मार्ग में सेठ ने आचार्य सहित पूरे शिष्य समुदाय की उपासना का अच्छा लाभ लिया, जिससे वहां ऋषभदेव के जीव धन्ना सार्थवाह को प्रथम बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। धन्ना सार्थवाह के भव से देव व मनुष्य के सात भव करने के बाद 9वें जन्म में ऋषभ का जीव जीवानंद वैद्य के रूप में उत्पन्न हुआ। अपने मित्रों के साथ मिलकर कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त एक मुनि की सेवा की। उनकी प्रेरणा पाकर वे श्रावक बने। भव में
ऋषभ का जीप महाविधि की पुष्कलावती विजय में राजकुमार वज्रनाभ के रूप में उत्पन्न हुआ। आगे जाकर वज्रनाभ 6 खंड का स्वामी चक्रवर्ती बना। उसके पूर्व भव के 4 मित्र सहोदर रूप में पैदा हुए। अपने पिता राजश्री वज्रसेन के उपदेश से प्रभावित होकर वज्रनाभ ने अपने सहोदरों के साथ दीक्षा व्रत स्वीकार किया। तपस्या व साधना कर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। वहां से 12वें भव में वे स्वार्थ सिद्ध महाविमान में उत्पन्न हुए। वहां से च्वेपकर वज्रनाभ भगवान ऋषभ बने। अंततः ऋषभ का जीव स्वार्थ सिद्ध देवलोक से च्वेपकर नाभिकुलकर की जीवन संगनी मरुदेवा की पवित्र कुक्षी में अवतरित हुआ। तब माता मरुदेवा ने 14 महास्वप्न देखे। स्वप्न दर्शन का भी अपना महत्व है। गर्भ के प्रारंभ में स्वप्न दर्शन गर्भगत प्राणी के शुभाशुभ भविष्य की सूचना मानी जाती है। माता मरुदेवा 14 स्वप्नों को देखकर हर्ष विभोर हो गईं। मरुदेवा ने अपने पति नाभिकुलकर से स्वप्न में देखे दृश्य गिनाए। स्वप्न को सुनकर नाभिकुलकर चकित हो उठे और कहा कि यह स्वप्न प्राणी मात्र के उज्जवल भविष्य की सूचना है। अब जनपद की समस्याएं सुलझेंगी। कोई ऐसा भुवन भास्कर गर्भ में आया है जिससे सारा विश्व आलोकिक हो उठेगा। गर्भकाल पूरा होने पर चैत्र कृष्णा अष्टमी की मध्य रात्रि में माता मरुदेवा ने एक पुत्र तथा एक पुत्री को युगल रूप में जन्म दिया। भगवान के जन्म पर समूचा विश्व पुलकित हो उठा। 64 इंद्र व सहस्त्रो देवों ने धरती पर आकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव मनाने की विधि यहीं से प्रारंभ हुई थी। नाम कर्म के उत्सव पर बड़ी संख्या में यौगलिक इकट्ठा हुए। उस युग की यह पहली घटना थी कि नामकरण पर इतने लोग इकट्ठा हुए हों। नाभिकुलकर का मानना था कि 14 स्वप्नों में पहला स्वप्न वृषभ का था, इसलिए बालक का नाम वृषभ कुमार रखा जाए। सभी ने बालक को इसी नाम से पुकारा। बाद में यह नाम ऋषभ के रूप में प्रचलित हो गया और पुत्री का नाम रखा सुनंदा। भगवान ऋषभ के समय कोई वंश या जाति नहीं थी, इसलिए इंद्र ने बालक ऋषभ की क्रीड़ाओं को देखते हुए उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश रखा। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना के साथ ही वंश परंपरा स्थापित हुई। भगवान ऋषभ के जन्म से पहले पैदा होने वाले युगल भाई बहन होते हुए भी पति पत्नी बन जाते थे, क्योंकि उस समय लोग शादी से अपरिचित थे। ऋषभ ने जब युवावस्था में प्रवेश किया तब विवाह की रीति चलाई गई। उनका विवाह 2 लड़कियों के साथ हुआ, जिसमें से एक उनकी सहजन्मा सुनंदा थी और दूसरी लड़की सुमंगला अनाथ थी। यह पहला प्रसंग था जब किसी ने अपने साथ जन्म न लेने वाली लड़की को पत्नी बनाया और उस रूप में शादी की। धीरे धीरे लोगों को शादी की उपयोगिता समझ आने लगी। यौगलिक काल में सीमित संतान का नियम अटल था। हर युग के जीवन में एक ही बार संतान उत्पत्ति होती थी और वह भी युगल के रूप में। सर्वप्रथम ऋषभ के घर में यह क्रम टूटा। ऋषभ की सहजन्मी पत्नी सुनंदा के तो एक ही युगल उत्पन्न हुआ, पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी, परंतु दूसरी पत्नी सुमंगला के 50 युगल जन्मे। कुल मिलाकर ऋषभ के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। सबसे बड़ा पुत्र भरत था और पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थी। कुलकर नाभि के पास प्रतिदिन यौगलिकों की बहुत अधिक शिकायतें आने लगी थी।
दंड संहिता निस्तेज होती जा रही थी। प्रतिदिन अभाव बढ़ता जा रहा था। कुलकर ना भी समस्याओं से अत्यंत परेशान थे। वे चाहते थे कि किसी प्रकार इस दायित्व से छुटकारा मिले। कुछ युगलों ने ऋषभ कुमार के पास इन समस्याओं को रखा तो ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा कि समय के साथ व्यवस्था बदलनी पड़ती है, अपनी आदतों में परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसा करने पर समस्या स्वतः समाप्त हो जाती है। अब कुलकर व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, अब एक विधिवत राजा होना चाहिए। उसके अनुशासन से ही समस्या सुलझ सकती है। राजा की सूझबूझ से अभाव समाप्त हो सकता है। तब युगलों ने सोचा कि ऐसी क्षमता तो सिर्फ ऋषभ कुमार में है, औरों में नहीं, अतः वही दायित्व संभाले। युगलों ने मिलकर कुलकर नाभि से कहा कि वे ऋषभ कुमार को राजा घोषित कर दें। अब युगल अपनी कल्पना से ऋषभ के राज्याभिषेक की तैयारियां करने लगे। ऋषभ को फूलों से अलंकृत कर उच्च आसन पर बिठाकर पैरों में जलाभिषेक किया गया। अभिषेक के क्रम में सर्वप्रथम पदाभिषेक हुआ था। इंद्र ने लोगों के विनय की प्रशंसा करते हुए उस स्थान का नाम विनीता रखा। आगे चलकर वहीं पर विनीता नाम की नगरी बसी। राजा बनने के बाद ऋषभ के समक्ष सबसे पहला काम था खाद्य संकट मिटाने का, क्योंकि शेष समस्याएं उसी से जुड़ी हुई थी। वह जानते थे कि भरपेट भोजन मिलने पर यह सभी अनुशासित बन जाएंगे। उनका कहना था, समय बदल गया है, अतः स्वयं को बदलो। अब श्रम करना होगा, खेतों में अनाज बोना होगा, हर चीज उत्पन्न करनी होगी। ऋषभ का मानना था कि सब श्रम करो, सुख से जियो। ऋषभ ने कृषि के साथ साथ अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय भी सिखाए। प्रत्येक कार्य की विधि उन्हें स्वयं ही सिखानी पड़ी थी, परंतु लोगों का बौद्धिक विकास नहीं के बराबर था। जितना बताया जाता था वह उतना ही समझते थे। आसपास की बात उनके चिंतन से बाहर थी। खेती पकने के बाद उसे काट कर अनाज निकालने की विधि स्वयं ऋषभ ने उन्हें बतलाई। लोग अनाज निकालने लगे, पर बैलों द्वारा उसी अनाज को खाया जाने लगा। लोगों ने अपने राजा ऋषभ से कहा कि सारा अनाज बैल खा जाएंगे तो उनके लिए क्या बचेगा। तब ऋषभ ने घास की रस्सियों की छींकी बनाकर कहा कि ऐसी छींकी लगा देने से बैल अनाज नहीं खाएंगे। इस पर सभी लोगों ने मिलकर छींकी लगा दी। बैलों के मुंह छींकी से बंद हो गए, दिन भर कुछ ना खा सके। तब लोगों को चिंता हुई कि ऐसे तो बैल मर जाएंगे। तब ऋषभ ने लोगों से छींकी खोलने को कहा और बैलों की जान बची। क्योंकि लोगों में समझ कम थी, इसलिए कुछ नया होने पर वे समझ नहीं पाते थे। एक बार कुछ लोगों द्वारा अपने हाथों पर पड़े पपोले राजा ऋषभ को दिखाए गए। तब ऋषभ ने कहा कि तुम्हारे भाग्य से अग्नि पैदा हो गई है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं, इसे समझने की जरूरत है। आने वाले युग में यह मानवीय सभ्यता तथा समृद्धि का आधार मानी जाएगी। यह बहुत लाभप्रद है, इसका उपयोग करना सीखो। अब तक सभी लोग कच्चा भोजन करते रहे हो, इसलिए यह दुष्पाच्य और भारी रहता है। अब से भोजन अग्नि में पका कर खाया करो। तब ऋषभ ने मिट्टी के पात्र बनाए, स्वयं कुम्हार बने, सब तरह की आवश्यकताओं के अनुसार छोटे बड़े बर्तन बनाकर उनका उपयोग करना सिखाया, अर्थात संपूर्ण पाक विद्या लोगों को सिखाई। तब से लोग खाना पकाकर खाने लगे। इससे पहले कच्चा भोजन ही खाया जाता था। ऋषभ ने एक वर्ग ऐसा भी तैयार किया जो लोगों की सुरक्षा का दायित्व संभालने में दक्ष हो। उन्हें तलवार, भाला, पर्ची आदि शस्त्र चलाने सिखाए। यह लोग सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। इस वर्ग को क्षत्रिय कहकर पुकारा गया। ऋषभ कृषि कला, शिल्प कला की विभिन्न प्रक्रियाओं को सिखाकर अब विनिमय का माध्यम बनाने की सोचने लगे। उत्पादन की शिक्षा वह दे चुके थे, अब उत्पादित वस्तुएं एक दूसरे के पास कैसे पहुँचे, इसी चिंतन में उन्होंने मसी कर्म शिक्षा का आविष्कार किया। मसी कर्म
अर्थात लिखा पढ़ी से वस्तु का विनिमय करना। प्रारंभ में मुद्रा नहीं थी, वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था, उनका हिसाब रखना जरूरी था। इसलिए यह निर्धारित करने के लिए कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। इस विनिमय प्रक्रिया को व्यापार तथा इसे करने वाले वर्ग को व्यापारी अर्थात वैश्य कहकर पुकारा गया। ऋषभ ने लोगों को कृषि, असी, मसी, कर्म की समुचित शिक्षा दी और एक ऐसा वातावरण बनाया कि कोई व्यक्ति निष्क्रिय न रहे, और मानवीय संस्कृति में निष्क्रियता को स्थान नहीं है। श्रम करना ही सामूहिक जीवन की सार्थकता है। जो लोग किसी कार्य में भी दक्ष नहीं बने, वे लोग सेवा और सफाई के कार्य में लग गए। ऊंच नीच की भावना उस समय तनिक भी नहीं थी। ऋषभ ने श्रम का ऐसा प्रवाह प्रवाहित किया कि कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं रहा। सबको अपनी अपनी योग्यता अनुसार कार्य चयन का अवसर मिला। कार्य की अपेक्षा से अलग अलग वर्ण या वर्ग बन चुके थे। सबका अलग अलग कार्य था। सुरक्षा का दायित्व संभालने वाला वर्ग क्षत्रिय कहलाता था। कृषि तथा मसी कर्म करने वाले लोग वैश्य कहलाते थे। लोगों के दैनिक जीवन की आवश्यकता पूर्ति इन्हीं दो वर्गों से होती थी। सेवा सफाई का कार्य करने वाले लोग शूद्र कहलाते थे। ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति सम्राट भरत के शासनकाल में हुई। यह ऐसे बुद्धिजीवियों का वर्ग था जो वक्तव्य कला में निपुण व ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करने से इन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। यह शरीर पर स्वर्ण सूत्र धारण करते थे जो आगे चलकर जनेऊ बन गए। इस प्रकार चारों वर्ण की उत्पत्ति ऋषभ और यह शिक्षा भगवान ऋषभदेव जी दे रहे हैं। ऋषभदेव जी परम भगवान के अवतार हैं। इनके पिता का नाम था महाराज नाभी और माता का नाम था मेरु देवी। इनके पिता बहुत बड़े बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। वह एक बहुत बड़ा यज्ञ का पालन कर रहे थे। यज्ञ का महत्व यह था कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो भगवान के समान। पर उन्होंने ये यज्ञ बड़ी श्रद्धा से की थी और भगवान उनके यज्ञ से बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है कि मेरे जैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त हो, पर मेरे जैसा तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, तो मैं ही तुम्हारी संतान बनकर आ जाऊं। वो फिर आए भगवान ऋषभदेव जी के रूप में। ये नहीं कि आजकल अनेक व्यक्ति दावा करते हैं हाँ ये ऋषभदेव जी के अवतार हैं वगैरह। जब भगवान ऋषभदेव जी आए पृथ्वी पर, उन्होंने सारे दिव्य लक्षण प्रकट किए। उनके पैरों के नीचे शंख इत्यादि सब चक्र सब दिखे। तो उनके पिताजी समझ गए कि ये है भगवान के अवतार है। और ऋषभ, ऋषभ संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम। तो ऋषभदेव, ऋषभदेव जी बड़े प्रेम के साथ प्रजा से व्यवहार रखते थे। आजकल तो समाज की स्थिति ऐसे है कि आप तो अपने नेताओं के साथ कुछ संबंध नहीं जोड़ सकते, केवल टेलीविजन के द्वारा जोड़ सकते हैं। हाँ, वो आपसे जब उन्होंने बात करना है तो टेलीविजन में बात करेंगे और आप टेलीविजन के सामने बैठकर देखोगे। पर प्राचीन समय में जो नेता थे उनका बड़ा गहरा संबंध रहता था पूरी प्रजा के साथ। पूरी प्रजा के पास सुविधा होती थी कि किसी समय भी अपनी समस्या लेकर
राजा के दरबार में पहुंच जाए। तो महाराज नाभी ने देखा कि पूरे राज्य की प्रजा भाव ने रख रही है ऋषभ देव की तरफ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें राज्य पर बिठाकर खुद वो चले गए बद्रिकाश्रम की तरफ। तो एक समय इंद्रदेव देवता इंद्र के हृदय में ईर्ष्या हुई ऋषभ देव के प्रति। उन्होंने कहा कि ऋषभ देव को इतना आदर मिल रहा है, मैं इनके राज्य के वासियों को सबक सिखाता हूं। उन्होंने बारिश रोक दी। तो बारिश के बगैर तो कोई जी नहीं सकता, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। जैसे कि जब महाराज नंदा वो किसान थे तो निर्भर थे इंद्र की कृपा के ऊपर, तो हर साल वो यज्ञ करते थे। तो भगवान इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं बंद करो यज्ञ, कोई आवश्यकता नहीं। अरे भाई हम तो किसान हैं, यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र की कृपा नहीं मिलेगी, वर्षा नहीं आएगी, फसल नहीं होगी। हाँ तो भगवान ने रुकवा दिया। तो इंद्र ने कहा मैं अब पानी नहीं भेजूंगा। और ऋषभदेव जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपनी शक्ति से पानी पैदा कर दिया। भगवान है, भगवान के लिए क्या असंभव है। आजकल के ढोंगी भगवान तो कुछ चमत्कार नहीं दिखा सकते, पर जब इंद्र ने बारिश नहीं भेजी तो भगवान ऋषभदेव जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपनी शक्ति से बारिश पैदा कर दी। तो इंद्र ने समझ लिया हाँ ये परम भगवान है, तो उनमें इतनी शक्ति थी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र के भगवान के लिए क्या करोड़ों पुत्र हो सकते, जिनमें कि सबसे बड़े बेटे का नाम था भारत, और ये पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष बुलाया जाता। तो ऋषभदेव जी बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं इस अध्याय में। पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि किस प्रकार व्यक्ति को मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नाहम देह देह बाजम लोके, कि ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसका दुरुपयोग मत करो, पशुओं के समान इंद्र तृप्ति के कार्य के लिए, पर इसका उपयोग करो किस लिए, तपस्या के पालन के लिए। और तपस्या किसकी खुशी के लिए, तपो दिव्यम पुत्र का, परम भगवान की खुशी के लिए। और ये उपदेश जो ऋषभदेव भगवान ने दिया है ये तो पूरे मानव समाज के लिए है। ये नहीं कि ये उपदेश केवल ब्रह्मचारियों को दिया जा रहा है या गृहस्थ को दिया जा रहा है, ये उपदेश तो पूरे मानव समाज को दिया जा रहा है। या कि तुम तपस्या का पालन करो किस लिए, भगवान की प्रशंसा के लिए। और अगर तुम तपस्या का पालन करोगे भगवान की प्रशंसा के लिए तो उसका क्या लाभ होगा, उसके बदले में आपको असली खुशी प्राप्त होगी। और ये असली खुशी का क्या है, ये असली खुशी जो है ये अनंत है, केवल ये बढ़ते ही जाएगी। तो इस शिक्षा के पश्चात ऋषभदेव जी इस आज के श्लोक में गृहस्थ भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, जो लोग श्री कृष्णा भावनामृत को पुनर्जीवित करने तथा ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वो केवल श्री कृष्ण से संबंधित कार्य ही करते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, ये उपदेश गृहस्थ भक्तों को दिया जा रहा है,
और गृहमेदियों को नहीं। गृहमेदी और गृहस्था में क्या अंतर है? गृहमेदी उसे कहा जाता है जो स्त्री पत्नी के साथ रहता है केवल इंद्रतृप्ति को लक्ष्य बनाकर। गृहस्था उन्हें कहा जाता है, जैसे कि आपको आपने सुना होगा इस श्लोक में शब्द गृहेशु जयमाज रति मत्सु गृहेशु, तो गृहस्था उन्हें कहा जाता है जो कि ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, जो कि कृष्णा भावना भावनामृत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। क्योंकि कृष्णा भावनामृत होना तो हमारा अस्ति स्वाभाविक स्वरूप है, पर उसे हम भूल बैठे हैं। जैसे कि आईने में धूल बैठ जाती है तो फिर आप अपने चेहरे को देख नहीं सकते। Tava kripa hale mor mor kata shudha hage shuniya sabara shoka dukha che guchi bhe nacha Fast is not fast enough. इसलिए Zepto grocery delivery at
भगवान की तो शास्त्र को फिर तेरे बाबा जी का आनंद एवं हालो इन दिए गए यदुवंशियम सम्मम
श्रीहेण पड़िकं तो भव्य भव्य जाति सर्व ने मोक्षण मार्ग बताया जो हो वे मुझे शक्ति सी सभी जीव करू सा दादा नु के केसर नु एक अंगुल छु आप जो ना भाई केसर नु हो छु परमेश्वर जन्म जरा मथुर श्री विजिनेन्द्राय पुष्प पूजय आदिमं पृथ्वीनाथम आदिमं ईश्वरी गृहम् आदिमं तीर्थनाथम् ऋषभस्वामी नमस्तु।